आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो गाइस सो टुडे आवर क्वेश्चन इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज फॉलोस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 टू 2 फंक्शन इज एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 2 टू 4 फॉर 4 टू 8 फंक्शन इज टू ए एक्स प्लस फाइव बी ठीक है इफ़ एफेक्ट इज अ कंटिन्यूस ऑन जीरो टू एट क्लोज इंटरवल फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी ठीक है हमसे पूछ रहा है कि अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल जीरो टू एट के बीच में पूरा कंटिन्यूस है तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी अगर जीरो टू एट के बीच में कंटिन्यूस है तो हमारे ब्रेकिंग पॉइंट क्या है टू और फोर राइट ये इंटरवल टू पे टूट रहा है ये टू से स्टार्ट होके के फोर पे टूट रहा है ठीक है और ये फोर से स्टार्ट होके के एट तो ब्रेकिंग पॉइंट जीरो से एट के बीच में है टू और फोर तो अगर हम टू और फोर पे कंटिन्यूस चेक कर लें यानी एक ब्रेकिंग पॉइंट पे ये हम कह सकते हैं इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल जीरो टू एट देन इट इज कंटिन्यूस ऑन टू एंड फोर आल्सो राइट टू और फोर पे भी कंटिन्यूस होगा तो टू और फोर पे कंटिन्यूस होगा तो हमें पता है कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या होती है एफ ऑफ़ टू प्लस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टू माइनस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टू होगा ठीक है एंड एफ ऑफ फोर प्लस इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ फोर माइनस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ फोर होगा राइट right? होगा ना चलो तो ये कर लेते हैं हम इस पर चेक कर लेते हैं ठीक है अगर हम निकालते हैं एफ ऑफ टू एट एक्स एज इक्व टू टू पे एट एक्स एजी इक्व टू टू तो यहाँ से हम एफ ऑफ टू प्लस निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ टू प्लस एच राइट टू से ज़्यादा पे फंक्शन की क्या वैल्यू है देखो टू से कम पे ये थी टू से ज़्यादा पे फंक्शन की वैल्यू है थ्री एक्स प्लस टू ठीक है तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो थ्री एक्स प्लस टू दैट इज थ्री इंटू एक्स की जगह क्या है टू प्लस एच थ्री एक्स प्लस टू ये हो जाएगा प्लस टू ठीक तो अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम यहाँ पे लिमिट रखते थे तो ये हो जाएगा थ्री टू जो सिक्स लिमिट अभी नहीं रखते हैं। चलो लिमिट थ्री टू जिक्स प्लस थ्री एच प्लस टू तो अगर अब हम अब लिमिट रखें तो ये हो जाएगा सिक्स सेवन एट एट के इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ टू प्लस ठीक है अब एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ टू माइनस इक्वल होगा लिमिट एच टेंस टू ठीक है टू पे फंक्शन की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी ठीक एक्स स्क्वायर एक्स की जगह पर हमें क्या रखना है टू माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस ए एक्स ए टू माइनस एच ए एक्स प्लस बी राइट ये प्लस बी तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस ए एच माइनस ए एच प्लस बी ठीक है तो अब हम यहाँ पे अगर लिमिट रखें तो लिमिट एच टेंस टू जीरो रखे हैं तो, तो यहाँ पे फोर बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा टू ए प्लस बी बचेगा ठीक है ये आ गया एफ ऑफ टू पे तो हमारी कंडीशन ये आ गई टू माइनस एफ ऑफ टू प्लस और एफ ऑफ टू के इक्वल रखे तो एफ ऑफ टू क्या आ जाएगा एफ ऑफ टू हमारा आ जाएगा एफ ऑफ टू आ जाएगा थ्री टूज सिक्स सेवन एट ठीक है थ्री इन टू टू प्लस टू दैट इज थ्री टूज सिक्स सेवन एट तो यहाँ से कंडीशन बाय कंडीशन यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कंडीशन

एक्स इज इक्वल्स टू फोर के लिए चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल्स टू फोर तो यहाँ से एफ ऑफ फोर प्लस क्या आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ फोर प्लस एच फोर प्लस एच पे फंक्शन की क्या वैल्यू है फोर से ज़्यादा पे फंक्शन की वैल्यू है टू ए एक्स प्लस फाइव बी टू ए एक्स प्लस फाइव बी ठीक है एक्स की जगह क्या फोर प्लस एच टू एक्स प्लस फाइव बी ठीक है ये है ये ये जो है हमारा ये एच है ठीक है तो ये हो गया टू ए फोर प्लस एच प्लस फाइव बी अब अगर हम एच टेंस टू जीरो रखते हैं तो ये होगा टू ए इंटू फोर प्लस जीरो प्लस फाइव बी देट इज फोर टू जट ए प्लस फाइव बी ठीक है अब अब एफ ऑफ फोर माइनस निकालें एफ ऑफ फोर माइनस निकालें तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ फोर माइनस एच फोर माइनस एच इक्वल आ रहा है फोर से कम पे वैल्यू है थ्री एक्स प्लस टू के इक्वल तो ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस टू यानी थ्री एक्स प्लस टू एच टेंस टू जीरो रखें जीरो फोर थ्री जा, ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन ठीक है अब बाय कंडीशन क्या हो जाएगा बाय कंडीशन जो हमारी कंटिन्यूटी की कंडीशन है कि एफ ऑफ फोर प्लस इक्वल हो जाएंगे ऑफ माइनस के प्लस है क्या इक्वल हो जाएगा किसके 14 के ये हो गई हमारी इक्वेशन टू अब हमारे पास ए बी की दो इक्वेशन आ गई इक्वेशन वन और इक्वेशन टू ठीक है तो इक्वेशन वन टू ए प्लस बी है और इक्वेशन टू है एट ए प्लस फाइव बी तो अब हम क्या करेंगे इक्वेशन वन में फाइव का मल्टीप्लाई करा के 2 से माइनस कर देते हैं, तो वन इंटू फाइव माइनस टू ठीक है फाइव का मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव टू जन ए प्लस फाइव बी इज इक्वल्स टू फाइव फोर ज्वेंटी ठीक और ये हो जाएगा क्या एट ए प्लस फाइव बी इज इक्वल्स टू फोर्टीन अब माइनस करना है तो ये माइनस 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 कैंसिल टेन माइनस एट इज इक्व टू ए ट्वेंटी ए इज इक्व टू टू थ्री सिक्स एट तो थ्री आ गया अब हमें बी चाहिए बी अगर हम बाय वन करें बाय ठीक है बाय वन से हमारे पास क्या था टू ए प्लस बी इज इक्वल टू फोर टू ए प्लस बी इज इक्व टू फोर तो 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 b b b b क्या क्या आ आ आ जाएगा a right? तो a और b की क्या value आ a और b की की गई गई ठीक है हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी ना तो a और b की वैल्यू अपनी थ्री एंड माइनस टू ठीक है थैंक यू क्लास सिक्स से लेकर नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स कवर हो है आज ही डाउनलोड करें डाउट नटअप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर